हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे अमोनियम नाइट्रेट क्या है जो बेरूत में बड़े पैमाने पर विस्फोट का कारण बना है। इसका क्या उपयोग, कैसे और कहां किया जाता है, इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है, भारत में इसके उपयोग में क्या क्या खतरे हैं और क्या नियम और कानून बनाए गए हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी, अभी कल या परसों की ही है, 4 और 5 अगस्त की, जिसमें आपने सुना होगा बेरूत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। क्या आपको पता है बेरूत है कहाँ? बेरूत लेबनान देश की राजधानी है। द कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन एट बेरूत पोर्ट इन द सिटी ऑफ लेबनान ऑन द इवनिंग ऑफ 4 अगस्त 2020 हैज सो फार किल्ड एटलीस्ट 100 पीपल एंड इंजर्ड अराउंड 4,000 विद एन अननोन नंबर ऑफ फियर ट्रैप्ड अंडर रबल। बेरूत जो कि लेबनान देश की राजधानी है, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 4,000 से ज्यादा घायल हो गए। क्या आपको पता है इस ब्लास्ट का कारण क्या था? आइए देखें इसके पीछे का क्या कारण था। दिस वॉज कॉज्ड बाय ओवर 2,700 tons ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कैप्ट इन स्टोरेज ऑफ ओवर 6 years। अमोनियम नाइट्रेट इज अ कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। इट इज अ नाइट्रोजन रिच कंपाउंड एंड ऑल्सो इन द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सप्लोजिव कंपोजिशन नोन एज ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। लेबनान सरकार के अनुसार ये 6 साल के लिए स्टोरेज में रखे गए 27,000 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट कृषि उर्वरकों का एक सामान्य रासायनिक घटक है। यह एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जिसे अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल के रूप में जाना जाता है। आइए इस केमिकल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और भारत में इसके उपयोग, नियम और कानून के बारे में और जानते हैं। इट इज प्योर from ammonium nitrate NH4NO3 as a white crystalline chemical which is soluble in water. It is the main ingredient in the manufacture of commercial explosive used in mining and construction. NH4NO3 ek crystalline rasayan hai jo pani mein ghulanshil hai. It is the main ingredient in the manufacturer of commercial explosive used in mining and construction. In India, the ammonium nitrate rule 2012 under the Explosive Act 1884 defined ammonium nitrate as the compound with formula NH4NO3 including any mixture or compound having more than 45% ammonium nitrate by weight including emulsion, suspension, melts or gels, but excluding emulsion or slurry explosive and non-explosive emulsion matrix and fertilizers from which the ammonium nitrate cannot be separated. Bharat mein Visphot Adhiniyam 1884 Ammonium Nitrate Niyam 2012 ke tehat ammonium nitrate ko NH4NO3 के सूत्र के साथ यौगिक में परिभाषित करते हैं, जिसमें किसी भी मिश्रण या यौगिक में इमल्शन, सस्पेंशन, मेल्ट या जेल सहित 45% से अधिक अमोनियम नाइट्रेट होता है। प्योर अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव ऑन इट्स ओन। इट इज क्लासिफाइड एज एन ऑक्सीडाइजर under the United Nations classification of dangerous goods. शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट स्वयं में कोई विस्फोटक नहीं है,
इसे संयुक्त राष्ट्र के वर्गीकरण के तहत खतरनाक वस्तु ऑक्सीडाइजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इफ इट मिक्स्ड विद इंग्रेडिएंट लाइक फ्यूल और सम अदर कंटामिनेंट्स और बिकॉज ऑफ सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इट कैन बी वेरी एक्सप्लोजिव। हाउएवर फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्लोड ट्रिगर लाइक डेटोनेटर्स आर रिक्वायर्ड। अगर इसे ईंधन या अन्य संदूषक जैसे अवयवों के साथ मिला दिया जाए तो यह बहुत हानिकारक हो सकता है। हालांकि इस तरह के संयोजन के विस्फोट के लिए डेनोटर जैसे ट्रिगर की आवश्यकता होती है। मेनी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस IEDs यूज्ड बाय टेररिस्ट अराउंड द वर्ल्ड हैव ANFO एज द मेन एक्सप्लोजिव ट्रिगर्ड बाय प्राइमरी एक्सप्लोजिव लाइक RDX और TNT। इन द मेजॉरिटी ऑफ टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग दोज इन पुलवामा वाराणसी मालेगांव पुणे दिल्ली हैदराबाद एंड मुंबई अमोनियम नाइट्रेट हैज बीन यूज्ड अलोंग विद इनिशिएटर एक्सप्लोजिव लाइक RDX। ANFO दुनिया भर के आतंकवादियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस में मुख्य विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है, जिसे RDX या TNT जैसे प्राथमिक विस्फोटक द्वारा ट्रिगर किया जाता है। भारत में अधिकांश आतंकी हमलों में जिनमें पुलवामा वाराणसी मालेगांव पुणे दिल्ली हैदराबाद और मुंबई शामिल हैं, अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग RDX जैसे विस्फोटकों के साथ किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट आर रिगार्डेड एज अ मेजोरिटी ऑफ फायर हजार्ड विद मल्टीपल रिपोर्टेड केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। भारी मात्रा में भंडारित अमोनियम नाइट्रेट दुनिया भर में कई मामलों में विस्फोटक खतरा माना जाता है। भारी भंडारण का विस्फोटक मुख्य रूप से दो तरीके से हो सकता है। द एक्सप्लोजन ऑफ लार्ज स्टोरेज कैन हैपन प्राइमरली इन टू वेज। वन इज बाय सम टाइप डेटोनेशन और इनिशिएशन बिकॉज द स्टोरेज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एक्सप्लोजिव मिक्सचर। पहला किसी प्रकार के विस्फोटक द्वारा होता है क्योंकि रखा हुआ अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मिश्रण के संपर्क में आता है। सेकंड, द ब्लास्ट कैन रिजल्ट ड्यू टू अ फायर विच स्टार्ट इन द अमोनियम नाइट्रेट स्टोर बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एट लार्ज स्केल। दूसरा धमाका आग के कारण हो सकता है जो बड़े पैमाने पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण उत्पन्न गर्मी के कारण अमोनियम नाइट्रेट स्टोर में शुरू होता है। बेरूत बंदरगाह पर हुई घटना की प्राथमिक संभावना दूसरे कारण से हो सकती है। अगर हम पीछे के समय में अतीत में जाकर देखें तो घातक अमोनियम नाइट्रेट से आग और विस्फोट की घटनाओं के कई उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें कुछ बड़ी संख्या में हैं, जैसे कि 2015 में चीन में और 1947 में टेक्सास में। बिकॉज इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एनेस्थेटिक गैसेस फर्टिलाइजर्स कोल पैक्स एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। अमोनियम नाइट्रेट इज हाईली रेगुलेटेड इन इंडिया एटलीस्ट इन लेटर। चूंकि इसका उपयोग औद्योगिक विस्फोटकों संवेदनाहारी गैसों उर्वरकों कोल्ड पैक के उत्पादन के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसके गलत उपयोग की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। द अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 रेगुलेट द मैन्युफैक्चरर कन्वर्जन बैगिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट पोजेशन फॉर सेल और यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। दिस रूल मेक्स द स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन लार्ज क्वांटिटीज इन पॉपुलेटेड एरियाज इलीगल। अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री या उपयोग के लिए
निर्माण, रूपांतरण, बैकिंग, आयात, निर्यात, परिवहन धारणा को विनियमित करता है। ये नियम आबादी वाले क्षेत्रों में भारी मात्रा में भंडारण को अवैध मानता है, गलत बताता है। अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम लाइसेंस की आवश्यकता होती है। औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के तहत एक औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है और अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के तहत संबंधित लाइसेंस भी जरूरी है फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो आज हमने जाना अमोनियम नाइट्रेट के अवैध भंडारण स्टोरेज की वजह से बेरूत में कितने मासूम लोगों ने अपनी जान बेवजह गंवा दी। अतः इसके भंडारण पर और भी कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है।